यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। महिला खाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा कि कोरोना वायरस के तांडव से हर व्यक्ति भयभीत है और लोग अपने घरों की चार दीवारी में कैद हो गए हैं, लेकिन इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज के बीच रहकर ही संतुष्ट व खुश रह सकता है, किंतु समाज और लोगों से दूर व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है, नकारात्मकता उसे घेर लेती है और वह डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। संतोष दहिया ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने लंबे समय से लॉकडाउन किया हुआ है, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने घर की चार दीवारी में बंद है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं। उसी को देखते हुए महिला खाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने महिलाओं को एक नया मंच दिया है, जहां महिलाएं खुलकर अपने मन की बात कर रही हैं और मनोरंजन भी कर रही हैं। साथियों नमस्कार। कोरोना के कहर से बचाने के लिए जहां सरकार अथक प्रयास कर रही है, वहां हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे लोगों का मनोबल बढ़े। ऐसी एक शुरुआत मैंने भी की है। हमने सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और हमने ऐसे 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें 256 महिलाएं हैं। हर महिला जिसमें कोई भी हुनर है, गाना बजाना, पाक कला में कोई निपुण है, कोई कढ़ाई में, बुनाई में, कोई लेखनी में, किसी को कोई कविता पाठ करती है उसकी, या उनके घर में कोई बेटी, उनकी बहन या कोई भी ऐसी महिला जो उनके आसपास है जिसमें कोई भी हुनर है, वो वीडियो बनाती हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालती हैं और वह हम सब महिलाओं के साथ शेयर करते हैं। ये इसलिए किया है क्योंकि महिलाएं आज आइसोलेशन में हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि आज जो परेशानी के दौर से देश गुजर रहा है, हर व्यक्ति आज परेशान है, इसलिए हमने ये सोशल मीडिया के थ्रू उनको एक मंच दिया है। और केवल इसमें ये नहीं, इसके साथ साथ हमने उन सभी इश्यूज को भी उठाया है जो आज के महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, उनको स्वावलंबन उनका कैसे सुनिश्चित किया जा सके, मोबाइल बच्चों के लिए कितना जरूरी या घातक, मॉडर्नाइजेशन कहां तक उचित है, इसके साथ साथ एजुकेशन में महिलाओं को मैक्सिमम किस तरह से उनको एजुकेट किया जाए, जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कैसे बचा जाए, आज जितने भी समस्याएं हैं उन ज्वलंत मुद्दों को भी हमने लिया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, हमने आज आइसोलेशन में रहते हुए जिस तरह से महिलाओं को ये मंच दिया है, ये मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं में बहुत उत्साह है और वो अपने वीडियोस बना बनाकर सबके साथ शेयर कर रही है। मैं उन सब महिलाओं को भी बधाई देना चाहती हूँ जो आज ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो महिलाएं नहीं जुड़ी हैं वो भी मेरे साथ जुड़कर अपने हुनर को एक बार फिर तराशें और सबके साथ शेयर करें। खितादरी हरियाणा से, सबसे पहले मैं संतोष दहिया जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हम सब महिलाओं के लिए एक ऐसा संगठन, ऐसा मंच तैयार किया है जिससे हम सब बहने मिलकर समाज में महिलाओं को जागरूक कर सकती है, उनको उनके अधिकारों के लिए समझा सकती हैं, लड़ाई लड़ना सिखा सकती हैं, जिससे हम सभी बहनें मिलकर महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। और संतोष दहिया जी कितने सालों से महिलाओं के हक के लिए उन्हें जागरूक कर रही है। डॉक्टर संतोष दहिया जी ने जो हम सभी के लिए कदम उठाया है, तो हम सबको उनका साथ देना है। और इस कार्य में उन्हें ये महसूस नहीं होने देना है कि वो अकेली हैं, उनके साथ में हजारों बहनें हैं और हम सभी हर जगह से बहनों से संपर्क करके उनका साथ देंगे।